जो ना लाउड स्पीकर इस मस्जिद का, हमारी मस्जिद का आ चुका है। दो हारन लिखे हैं, तार और ये यूनिट वगैरह, एम्पलीफायर अच्छे वाला लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने महंगे वाला एम्पलीफायर जो है ना वो ले लिया है, ताकि इसका जो है ना आवाज़ ज़्यादा तक दूर तक जाए। मेन चीज़ होती है ये एम्पलीफायर और इसके साथ जो यूनिट होते हैं, यूनिट हमने हर हारन के साथ अलग-अलग जो है ना वो यूनिट ले लिया है, ताकि इसकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाए। और ये बस्ती है माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बस्ती है, तो इसलिए हमने ये चीज़ अच्छी वाली और बेहतरीन जो चीज़ है ना वो ली है। माशाल्लाह ये जो है ना ऑन हो चुका है, इसे ऑफ है, ये ऑन हो चुका है। तो ये हम बनाना शुरू करते हैं, तो कुछ देर में इंशाल्लाह ये जब लग जाएगा फिर आप उनकी आवाज़ भी हम आप लोगों को सुनाएंगे, इसमें अजान देंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद तैयार हो चुकी है, इसमें थोड़ा बहुत जो है ना काम हो रहता है। आज वो बिजली का सिस्टम जो है ना, कुछ दिन पहले हम ये बना कर गए थे, मतलब इसकी वायरिंग वगैरह सारा कुछ हो गया था। अब पंखे रहते हैं, स्पीकर का काम रहता था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज लग चुका है। और आज पहली स्पीकर में अजान हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। काम जो है ना वो मस्जिद के रहती हैं, जैसे कारपेट मस्जिद का कारपेट, विंडो दरवाजे, अलमारियाँ बनवाना, और थोड़ा बहुत जो दूसरा काम है ना वो रहता है वो कल से खुद भी आपको बताएंगे, और जो काम हो चुका है वो भी आपको कल से जो है ना खुद बताएंगे। माशाल्लाह बहुत सोने अंदाज दिलाल सारे भाई मेहरान साहब ने मस्जिद सारी खूब सोने तकमील तक पहुँचाई ने, ते जो बाकी काम जरा राधा पे जिनके विंडो की है उनके दरवाजे हैं पे, और बाकी मस्जिद ही दरवाजे हैं पे, ते मस्जिद की चटाइयाँ यानी कि ये थी जरूरत है पे सफा दी, और अलमारियों की भी जरूरत है पे पुराने पाक की भी माशाल्लाह, बाकी पेंट वगैरह बाकी काम भी कुछ कर दे, ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमावे जिन्हें दोस्तों ने मदद की, अल्लाह ताला थोड़े रिस्क ईमान बरकत फरमावे, मजीद अल्लाह तबारक व ताला इसका अजर नेमत बदला अता फरमावे, दुनिया आखिरत का भलाइयां नसीब फरमावे। माशाल्लाह बड़ा रूह सारा खुश हो गया कि आज अजान स्पीकर के अंदर जो दिती से, माशाल्लाह ये बच्चे मस्जिद की अजान को सुन के इन्होंने दिल च जज्बा एक पैदा थे, ताकि जमात ना नमाज आ पढ़ी ने, और इंशाल्लाह अब तो भी बा जमात ही था नमाज शुरू थी सी, और इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ के कुरान पाक की यानी कि तिलावत थी सी, तरावें के नमाज यानी कि अदा करे सूँ कुरान पाक की तिलावत भी, और नाल इंशाल्लाह ईद भी पढ़े सूँ, और जुम्मे की भी इब्तदा इंशाल्लाह ही मस्जिद के अंदर शुरू थी सी इंशाल्लाह। रमज़ान शरीफ में तरावी भी पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह हमारी जो कोशिश है, हमारी कोशिश होगी कि रोज़ा अफ्तारी जो है ना हम यहाँ पर करवाएं, जितना हमसे उसका चाहे 10 बंदे 15 बंदे 20 बंदे जितनी भी होगी कोशिश होगी कि हम उनकी अफ्तारी भी करें। कारपेट बहुत ज़रूरी है मस्जिद की, क्योंकि तरावी पढ़ने के लिए लोग आएंगे तो उनके लिए यहाँ पर सफ़े जो है ना वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो तरावी पढ़ने के लिए आएंगे लोग उनके लिए तकलीफ थी। इंशाल्लाह ये ता क़यामत तक आबाद रहेगी, और इसका सवाब आप लोगों को हमें इंशाल्लाह ज़रूर मिलता रहेगा। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हम पर ट्रस्ट करके अपनी अमानतें भेजी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये मस्जिद अल्लाह पाक के हुक्म से इस मस्जिद को तमीर करवाया, आज अल्हम्दुलिल्लाह तमीर हो गई। इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा जहाँ पर इंशाल्लाह जुमा भी अदा किया जाएगा, और ईद इधर भी यहीं पर ही पढ़ी जाएंगी इंशाल्लाह तआला अल्लाह पाक के हुक्म से।
आपने सबसे दुआ करनी है उनके लिए जिन्होंने इस कार्य खैर में अपना हिस्सा मिलाया, जिन जिन हिस्सा मिलाया इस कार्य खैर में, खासतौर पर मोहम्मद हुसैन हमारे अंकल हैं, उनके से हैं, इमरान भाई हैं, उन्होंने सारी मैनेजमेंट की है और उनकी फैमिली है, अल्लाह पाक उन सबके लिए आसानियाँ पैदा करना है, उनकी जितनी भी तकलीफें हैं उन सीखते हैं, अल्लाह साहब ने दुआ करी है और हमें भी दो मिल जाती है।